एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, प्यार प्यारे होंगे जस्ट लाइक मी। तो आज जा रही हूँ मैं शांगढ़ को अपनी मामी जी, माँ जी, दीदी के साथ, और भाभी जी भी है, वो ऑफिस से आ रहे हैं अभी। हाय बोलो सारे, जल्दी हाय बोलो। हाय 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 हाय। तो अभी हम जाएंगे शांगढ़ को, और बज चुके हैं एक, शायद एक बज चुके हैं, हमें काफ़ी टाइम हो चुका है, बट चलो चलते हैं। ओके बाय, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और भाभी जी आ गए हैं गाड़ी लेके, वो गाड़ी मोड़ रहे हैं अभी, और अब जाएंगे हम शांगढ़ को। ये आपको कैसा लग रहा है? मतलब दीदी और मेरे तो ऐसे कि कहीं भी जा रहे हैं तो फर्स्ट टाइम हो रहा है इस बार, बताओ कैसा लग रहा है? हाय भाभी जी, आपके ऊपर धूप पड़ रही है, अब दिख रहे हो। अब चलते हैं, बैठते हैं। ओके तो चलो चलते हैं। हाय 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 माजू, हाय हाय भाभी जी। हाय, ठीक है, मैं जा रहा हूं। हेलो बोलो। ओ हेलो, पहुंच चुके हैं शांगढ़। भाभी जी से आगे गिनना चलने को पास में, तो चलो चलते हैं। 100 मीटर की दूरी पे, और भैया हमको घूर रहे हैं फिर से, उनका और काम ही नहीं। शांगढ़ जिला कुल्लू के सहज की ऊंची पहाड़ियों पर बसा एक पवित्र स्थान है, जहां शांगचलू महादेव जी का वास है। शांगढ़ अपने मनमोहक दृश्य और बड़े बड़े हरे मैदान के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और दिन ब दिन लोकप्रिय होता जा रहा है। अब हम पहुंच चुके हैं शांगढ़। यह है शंचलू ऋषि जी का मंदिर, और ये वाला। जब हम शांगढ़ ग्राउंड में पहुंचे तो वहां पे पहले से ही काफी लोग थे, टूरिस्ट भी आए हुए थे, और जो स्थानीय लोग थे वो अपने पशुओं को वहां चराने के लिए लेकर आए थे। मैं, मामी जी, माँ जी और दीदी पहली बार आए, भैया आए पहले, आए हैं, वो मजाक कर रहे थे। तो आपको कैसा? बहुत अच्छा, बहुत। मामी जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। तो जो यहाँ का व्यू है बहुत ज्यादा अच्छा है, घूम घूम के दिखाती हूँ।
क्योंकि मेरे कैमरा में इतनी फैसिलिटी नहीं कि वो चारों तरफ घूम सके। मंदिर दिखाया मैंने तो चलो चलते फटाफट मंदिर। जब हम ग्राउंड में एंटर होते तो लगता है मंदिर बहुत पास है, लेकिन वो बहुत पास नहीं है क्योंकि वहाँ पे ढलान है बहुत ज़्यादा, तो इस करके मंदिर पास लगता है। लेकिन जब मंदिर के पास पहुँचते और वहाँ से पूरा ग्राउंड का व्यू और जो उस गांव है साथ में उसका व्यू देखते तो बहुत सुंदर लगता है। जो ये वाला मंदिर है इसको लोकल भाषा में डेरा भी बोलते देवता का। और यहाँ मंदिर में प्रवेश करने के बाद हमने वहाँ पर आशीर्वाद लिया भगवान जी का। भगवान जी से आशीर्वाद लेने के बाद मैंने कुछ जो यहाँ पे काष्ठकोनी कारीगरी की गई है मंदिर में वो दिखाने की कोशिश। मंदिर के अंदर जो हमारे त्रिमूर्ति है ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी चित्रकारी की गई है। और बाहर वाला जो एरिया है उसमें बहुत अच्छे से काष्ठकोनी शैली से कारीगरी की गई है। और मंदिर परिसर में बहुत प्यारे प्यारे से बच्चे कुछ अपनी गेम खेल रहे थे और मैं उसके पास गया, मैंने उसे अपना उसका नाम पूछा। देन ही टोल्ड मी कि उसका नाम योगराज है। उसके बाद हम ग्राउंड में गए बैठने के लिए और हम लोगों ने कुछ खाने पीने के लिए सामान लेके आया, उसे खाया वहाँ बैठ कर। उसके बाद भैया के एकदम एकदम बाद में पहले नहीं पता लग रहा इसका कोई और ना खाए। इसने खाया तो ये ऐसी मोटी हो गई। और ये भैया की फौजी डाइट चल पड़ी है, वो देखो सारे पैकेट जूस निकाल के बैठे हुए हैं, पैकेट यहाँ चिप्स के खाए हुए हैं। कैसे लग रहा है भैया आपको इतना सब कुछ खा के? और ये अनार नहीं खुल दो अनार खा रहे भैया। क्या भैया, और भैया स्पेशल ये वाला लाए थे अपने लिए ताकि कोई और ना खा सके। पर मैंने क्या क्या नाम है इसका, सिजलिंग हॉट लेस। भैया कैसा लगा आपको खा के? मजा आ गया। मजा आ गया, सही नहीं हुई? थोड़ा थोड़ा नाक से कुछ निकल रहा है। सिजलिंग हॉट का कमाल है। और इनको और इनको मालूम था कि हम इनकी वीडियो बनाने वाले, इसलिए बहुत उससे खा रहे हैं मचक मचक के। अनार खा रहे हैं और भैया जी जा चुके अपना खेलने के लिए। वहाँ पे कोई कोई भैया है उनके साथ, कहाँ है भैया ये वाले? कहीं घूमने गए और फोटोज नहीं लिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हमारा फोटो शूट स्टार्ट हो गया। अब हम लोग जा रहे हैं वापिस शांगर से। ये है पीछे मंदिर जिसको कि लोकल में डेरा बोलते हैं देवते का, और सामने मंदिर है। पीछे जो दिख रहा है वो देवते का मंदिर है, वहाँ पे देवता जी विराजमान होते हैं। और जब कुछ फंक्शन होता है देवते जी का तो जो ये वाला ग्राउंड है शांगर का जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, इस वाले जो ग्राउंड में नाटी डाली जाती है। और ये है बहुत बड़ा सा ग्राउंड। हाय, ओके बाय बोलो। हाय गाइस, बाय मामी जी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और ये लड़की फोटो लेते लेते नहीं खींचती, अभी मेरे पास कैमरा ओपन करके दिया गया है। बहुत सुंदर आ रही है। चलो फोटोज ना, आगे देखो भाई। जो देवते का दूसरा मंदिर था हम वहाँ पे नहीं गए क्योंकि हम शाम के टाइम गए थे और हमें टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और हमें वापस भी आना था। आपको क्या हो रहा है? ठंडा लग रहा है इनको। ओके बाय। हम वापस जा रहे हैं। चलो चले मित्र बाबा। देखो मैं तो ब्यासे खाई कम से भाभी जी को ठंड लग रही है।
ये स्टेज है और ये मेला ग्राउंड है और ये बड़ा सा गेट है। उछलकर फोटो खिंचवाने के लिए आते हो तो चलते हैं वापस घर की ओर। ऐसे तो शंकर रोड की टायरिंग हो चुकी है और रास्ता अच्छा है, लेकिन बरसात के मौसम में यहाँ का जो भूस्खलन की वजह से मिट्टी बार बार नीचे गिरती रहती है और रोड थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। और उसके बाद आते टाइम हम वापसी में भाभी जी के मायके गए और वहाँ से हम चाय पानी करके वापस आए। कहाँ गए मेरी मामी जी? पहले वापिस अब जाएंगे हम यहाँ से ऊपर घर पहुँच के फिर से रिकॉर्ड करेंगे। टाटा, लव यू ऑल एंड होप यू एंजॉयड द वीडियो।